सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो गाइस आप लोगों को अपनी फोटो को जो यहाँ पे इंपोर्ट करना है आपको लाइटरूम ऐप में। देन उसके बाद आप लोगों को इसमें पहले थोड़ी सी लाइटिंग एडजस्टमेंट करनी है, तो लाइट वाला ऑप्शन में जाकर पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसके जो हाईलाइट्स हैं इसको पहले थोड़ा कम कर देंगे। एंड जैसे गाइस यहाँ पे जो है शेडो है इसको भी मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, एंड जो है ब्लैक है इसको भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, ठीक है। ये गाइस लाइटनिंग जो है आप अपने मतलब फोटो के हिसाब से करना एडजस्ट, ठीक है, यहाँ पे सेम मत करना। बाकी जो कलर्स वाले एरिया होगा वो तो आपको सेम ही करना है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है ऐसे कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे पहले वाइब्रेशन बढ़ाना ताकि जो भी आपकी फोटो कलर है वो सारा वापस आ जाए। फिर उसके बाद आपको कलर मिक्स में जाना है, एंड उसके बाद यहाँ से आपको येलो कलर लेके आपको उसको ह्यू एकदम -100 की तरफ कर देना है, एंड ग्रीन कलर को भी -100 की तरफ कर देना है। अभी गाइस देखिए यहाँ पे जो है आपको इतना काम करना है, ठीक है, पहले तो ये सब कुछ आपको, उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको अपना फेस को भी थोड़ा ब्राइट कर लेना है ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके। तो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आपको इसका जो ब्लू कलर है इसका भी सैचुरेशन माइनस कर देना है, ताकि जो है मतलब ब्लू कलर हमें फोटो में चाहिए नहीं, ओनली ब्राउन टोन चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको गाइस यहाँ पे इस फोटो को जो है सेव कर लेना है, ठीक है, पहले एक बार ही सेव करना है। फिर उसके बाद आपको इसको दोबारा इंपोर्ट करना है, सेव करके दोबारा से इंपोर्ट करना है। एंड इंपोर्ट करने के बाद आपको फिर क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। बाकी थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है, तो उसके बाद हम इसको जो है ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने इसको यहाँ पे सेव कर लिया है, ठीक है। तो अभी गाइस हमने इसको ऐड भी कर लिया है यहाँ पे। अब गाइस देखिए जब आप इसको ऐड करोगे फोटो को, तो यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से डायरेक्ट जाना है कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको मिक्स में जाना है, मिक्स में जाने के बाद आपको येलो कलर लेना है, इसका ह्यू वापस से आपको -100 कर देना है, तो आपकी फोटो में जो है ब्राउन टोन आने लगेगी, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको अगर ज़्यादा लगे तो आपको सैचुरेशन जो है थोड़ा सा कम कर देना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे जो ग्रीन कलर है गाइस, आप चाहो तो इसका भी ह्यू और सैचुरेशन माइनस कर सकते हो, बट गाइस इसका कोई काम नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं फोटो में, बट फिर भी आप कर देना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद आपको जाना है गाइस जैसे कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन में, एंड उसके बाद शेडो में जाकर आपको उसका सैचुरेशन बढ़ाना है, एंड ह्यू को जो है रेड कलर की तरफ ही रहने देना है। फिर उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे चले जाना है ऐसे मिड टोन में। मिड टोन में जाने के बाद आपको दोबारा से आपको सैचुरेशन बढ़ाना है, एंड ह्यू को जो है ऑरेंज में ही रहने देना है, ठीक है। सेम चीज़ आपको हाईलाइट में भी करना है। एंड इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे करना है डन। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ से लाइट में जाना है, फिर कर्व टूल में जाना है। कर्व टूल में जाने के बाद आपको रेड कलर सेलेक्ट करना है। पहले तो गाइस क्या करना है, आपको इसको जो है ऊपर से आपको ऊपर की तरफ ले जाना है इसको। एंड इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर करना है, आपको इसका बीच में जो पॉइंट है इसको हल्का से नीचे, इसको हल्का से ऊपर की तरफ उठाना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से नीचे की तरफ से भी करना सेम चीज़ वही, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली जो है यहाँ पे डन कर देना है। एंड डन कर देने के बाद जो है आप सभी को चले जाना है ऐसे इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे विगनेट डालना है फोटो में, ठीक है, विगनेट जरूर डालना। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा फेदर, तो फीदर को जो आपको बढ़ा देना है, एंड क्लियरिटी फोटो की इंक्रीज़ कर देनी है। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो इतना काम हो चुका है, तो अभी गाइस जाना आपको नीचे रेटल में, आपको यहाँ फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है, नोट डक्शन बढ़ा देना है, एंड नीचे जो कलर नोट डक्शन है आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो जहाँ पे कंप्लीट तरीके से एकदम एडिट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सुबह से किसी और नए वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।